हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ रेखा और रेखा की रेसिपी में आपका बहुत स्वागत है। भैया दूज की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए लेके आई हूँ बहुत टेस्टी मैगी की रेसिपी। अलग तरीके से बना के तैयार की है हमने ये मैगी। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने 10-12 हरी मिर्च ली है और उसमें आधा चम्मच मैंने ऑयल गिरा है। सरसों के ऑयल का यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हो। मीडियम टाइप के प्याज लिए हैं जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अपने तेल में हम इसको गेर देते हैं। उसे थोड़ा हल्का भूनना है। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे लाइक कमेंट शेयर और मुझे साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। इसमें कुछ मैंने शिमला मिर्च गेर दी है और इसमें गाजर के पीसे हैं, ये भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसे गेर दी हैं और इसे हम थोड़ी देर के लिए भूनते हैं। 2 मिनट हमें इसी तरीके से इसे भूनना है। तरीके से आप मैगी एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी मैगी बनती है और जैसे आप मैगी बनाते हैं उससे बिल्कुल अलग बनेगी ये मैगी। एक टमाटर लिया है जिसको छोटे टुकड़ों में काट दिया है, उसे भी हम गिर के और आधा चम्मच के करीब मैंने हल्दी गिरी है, इसको भी हम भून लेते हैं। अभी हमें पानी का यूज़ नहीं करना है। और इसमें मैगी मसाला भी गिर देती हूँ, आप जितनी भी मैगी लें उसी हिसाब से मैगी मसाला गिरें। हमने 3 पीसेस मैगी ली है तो हम उस हिसाब से अपना मैगी मसाला गिरेंगे। इसे गिरते हुए हमें भूनना है। मसाले में नमक होता है तो इसलिए हमने इसमें आधा चम्मची नमक गिरा, मैगी में पूरा टेस्ट बना रहेगा। और इसमें पानी नहीं गिरना है, देखिए टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है। और इसी तरीके से हमें अपने मसाले को भूनना है और अब हम अपनी मैगी को इसमें तोड़ के गिर देते हैं। सारी मैगी को मैंने इसी तरह तोड़ के इसमें गिर लिया है और इसमें मैंने आधा ग्लास के करीब पानी गिरा है कि हमको एक ढक्कन से इसे कवर कर देना है। हमें ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ना है क्योंकि हम इसको चलाएंगे नहीं, और इसी तरीके से हम इसे 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारी मैगी एकदम फटाफट से बन के तैयार है। और कुछ हमने ये धनिया की पत्तियाँ ली हैं जो हमने ऊपर से गिर दी हैं और 1 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही ढक के फिर छोड़ देंगे। 1 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारी गर्मा गर्म एकदम मैगी बन के, बहुत टेस्टी मैगी बन के तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। अगर आपको अच्छी लगे मेरी रेसिपी तो आप मुझे लाइक कमेंट शेयर और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।